सेलुलिथाइसिस सेलुलिथाइसिस जो है जो स्लेवरी ग्लैंड के अंदर, जो स्लेवरी ग्लैंड हमारा, इसके अंदर स्टोन बन जाता है यहां पे, और कोई आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात है, और ये स्टोन मैंने बड़े ठीक किए हैं। मेरे पास एक केस आया, उसको जहां स्टोन था, शाह साहब थे, वो जाके उसने दिखाया सर्जरी के लिए कॉस्मेटिक सर्जन को, तो उसने कहा कि ठीक तो ये हो जाएगा लेकिन स्कार रहेगा, यहां से मैं काटूंगा इसको, माइक्रो लेवल की भी सर्जरी करूंगा तो निशान तो रहेगा लेकिन डर होता है कि साइड राइट लेफ्ट फेशियल नर्व्स गुजर रही है, ट्रेजेमिनल नर्व गुजर रही है, तो ये भी हो सकता है। वो मेरे पास आया, मैंने उसको पूछा, ऐसे ही मुझे स्ट्राइक किया और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आपको सर्दी तो नहीं ज्यादा लगती? कहता मैं तो गर्मियों में कंबल होता हूँ सोता हूँ। मैंने सलेशिया सीएम की एक डोज दी और मैंने कहा यार महीने बाद ना इसका एक्सरे करा के मुझे दिखाओ। महीने बाद एक्सरे कराया तो वो स्टोन नहीं था वहां पे, वो उस कॉस्मेटिक सर्जन के पास गया तो उसने कहा चेक प्लीज, उसने कहा यार स्टोन तो नहीं है यहाँ, कैसे कहाँ से माइक्रो सर्जरी, कोई बाहर से कराई है, यूरोप से, अमेरिका से, कहाँ से कराई है? उसने कहा यार सलेशिया सीएम की उसने डोज दी है, एक ही डोज मेरा जानने वाला था तो मैंने एक ही पूरी दी, तो उसने बस सलेशिया दी है, उसने की है सर्जरी और उसके बाद मैंने सलेशिया से यहां और भी स्टोन निकाले हैं। स्लेवरी ग्लैंड बेसिकली आपको जो स्लाइवा पैदा करता है ये ग्लैंड है, और ये बेसिकली स्लेवरी ग्लैंड जो है ना, इस पे मर्कसाल का भी बड़ा रोल है। आपको पता जब मर्कसाल की प्रूविंग की गई तो पहले जमाने में जिनको सिफिलिस होता था या कुछ, तो उनको मरकरी खिलाई जाती थी और वो उस वक्त तक खिलाई जाती थी जब तक उसके मुंह से पानी आना ना शुरू हो जाए, राले ना बहनी शुरू, तो समझते थे कि मरकरी का असर हो गया। जिस मरीज में मुंह से राले आती होंगी और ये स्टोन बनता होगा उसकी मर्कसाल दवाई। लेकिन आप इब्जमात कदम के तौर पे जो ग्लैंड्स की, आप ट्यूबरक्लोनियम का इस्तेमाल कर लें, आप एक जो मेडोलिनम का इस्तेमाल कर लें, आप कल्केरिया रेनेलिस का इस्तेमाल कर लें, आप कल्केरिया बेरी का इस्तेमाल कर लें, और ये इससे बेहतरी आ जाएगी। और ये स्टोन को ब्रेकर है, बेसिलिनियम स्टोन ब्रेकर है, मतलब 200 में ना आपका वो पित्ते में स्टोन है, आपका गुर्दे में स्टोन है। आपको पता है बार दफा नीचे उसमें उसमें स्टोन आ जाते हैं, जेनिटल एरिया के स्टोन आ जाते हैं, आपके पैंक्रिया के अंदर स्टोन आ जाता है। तो स्टोन जो है ना वो ब्रेक करती है, उसको तोड़ती है बेसिलिनियम, और बेसिलिनियम मेरा जो क्लिनिकल रिजल्ट है ना वो ज्यादातर उसमें ही है, किसमें 200 में। अभी पीछे मैंने एक स्टोन निकाला, उसका पैंक्रिया के अंदर स्टोन आ गया था। मेरा अपना दोस्त है, उसका एक जो है उसका पैंक्रियाटिक स्टोन आ गया था, उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया था, रिमूव हो गया। उसमें मैंने आयरिस वर्सिकुलर का इस्तेमाल किया था और पैंक्रियाटिनम का इस्तेमाल किया था बेसिलिनियम 200 दे के। तो ये अगर आप सर्जरी करते ना, आप इधर गुर्दे के स्टोन निकालने में बड़े मशहूर हैं होम्योपैथ डॉक्टर, लेकिन स्टोन और भी बड़ी जगह बनते हैं, स्टोन और भी बड़ी जगह बनते हैं। वो स्टोन नहीं होता ना, वो तो लाइपोमा होता है, दैट इज द ग्रोथ, वो तो अलग चीज है, तो कल्केरिया फ्लोर के जमीन में आती है, या ट्यूबर मेडोलिनम कल्केरिया फ्लोर उसमें आती है। ठीक है जी, सेलिवरी ये चूंकि फेशियल इमरजेंसी है और ये पेन करेगा बहुत, ये स्टोन बहुत ज्यादा पेन करता है, तो आप ये करेंगे कि इस इमरजेंसी को रोकने के लिए, इसकी पेन को ठीक करने के लिए मैंने सलेशिया कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत अच्छा काम करती है, और उसके बाद मर्कसाल है, बेसिलिनियम का मैंने आपको बताया, उसका इस्तेमाल करें।
तो बहुत अच्छा ये बेहतर हो जाता है। नहीं आ रहा? हाँ, एज इंटरकरंट, एज इंटरकरंट आ गया। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी सारी रिकवरी होगी है।